आखिरी बात है, तवज्जो की बात है। सैयद आयशा सदीका महबूबा महबूब कायनात, आप उनके हुजर में जलवा फरमाए तो बाहर ना हाय हाय की आवाज़ आई। देखो हजूर का बनाया हुआ कानून आज भी जारी है, आज भी हजूर का बनाया हुआ कानून आज भी राय जाए, इस मुल्क में भी राय जाए। सरकार ने सुना तो बाहर को बंदे जो हैं वो हाय हाय कर रहे हैं। अब ये जो ऊँट की रस्सी होती है ना, ऊँट के बालों की, इसके ऊपर जब पानी पड़ता है तो ये और टाइट होती है, सख्त टाइट हो जाती है जी। सबको पता ही है, जिम्मेदार लोग हैं जिनको पता होगा उनको, ये बकरी के बाल हो गए, भेड़ के बाल हो गए, ऊँट के बाल हो गए, जब इसके ऊपर पानी पड़ता है तो ये टाइट हो जाती है। अब वो कैदी आए थे तो उनको ऊँट की रस्सियों से बांधा गया, दोनों हाथ बांधे हुए। रात को बारिश के छींटे पड़े तो वो रस्सियाँ टाइट हो गई और उनको थोड़ी सी तकलीफ़ शुरू हो गई, वो तकलीफ़ बढ़ती गई। अब वो रस्सियाँ टाइट हो गई, उनका हाथों का खून रुक गया तो वो हाय हाय करने लगे। माई साहबा फरमाती हैं कि हजूर कभी एक करवट बदलते थे, कभी दूसरी करवट बदलते थे, आखिर में सरकार उठ के बाहर चले गए। वापस आए काफ़ी देर के बाद, तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप बाहर क्यों गए थे, क्या खैर तो है? आपने फरमाया कि बाहर हजरत सैफ खालिद सैफुल्लाह को कैदी लाए हैं, उनको जो रस्सियाँ बंधी हुई थी वो टाइट हो चुकी थी और उनसे उनको तकलीफ हो रही थी, तो मैं उनकी रस्सियाँ ढीली करके आया हूँ। उस दिन से कानून बनाए कि अल्लाह बुरे वक्त से बचाए कि हाथ में चोर डाकू के हाथ में हथकड़ी डालने वाली जो है ना, वो लोहे का ताला वो इतना हो कि उसमें हाथ गर्दश करता रहे, सकते हाथ उसमें हाथ निकले भी नहीं और उसमें हाथ गर्दश करता रहे। अब सुबह जब हजरत खालिद तशरीफ लाए तो देखा उनकी रस्सियाँ ढीली हुई हुई हैं, बड़े परेशान हो गए, ये क्या हुआ? तो सरकार ने फरमाया इनकी रस्सियाँ ढीली की थी कि या रसूल अल्लाह ये तो कैदी थे, भाग जाते। आप फरमाया क्यों भाग जाते, क्यों भाग जाते? कैदी भाग सकते हैं मगर जो मेरी जुल्फ का कैदी है वो नहीं भाग सकता। वो उन काफरों पे भी सरकार को रहम आया और उन्होंने भी बारगाह में फरियाद पेश की, हुजरा रसूल के सामने थे, तो नबी जो मेरा भला करे, मेरी बख्शिशों की दुआ करे, मुझे भूल जाए वो हशर में, मेरे दुश्मनों की ये भूल है।